नमस्कार दोस्तों, हाउ टू नो दैट एन इनकम टैक्स असेसमेंट इज पेंडिंग इन योर केस। ये सब्जेक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के फेसलेस असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी बात को इस प्रकार से रखता हूं कि दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध कोई इनकम टैक्स में एक असेसमेंट चल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप बोलेंगे कि अनूप जी, मेरे या तो मेल आईडी पर कोई मैसेज आएगा या मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज आएगा। बहुत बढ़िया सर। कई बार ये भी देखने में आया है कि आपका जो करेक्ट मेल आईडी या करेक्ट मोबाइल नंबर है वो इनकम टैक्स की साइट पर अपडेटेड नहीं, और इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि आपका एक असेसमेंट पेंडिंग है, वो आपको पता नहीं रहता। अब मैं यहां पर आपको क्या कहना चाहता हूं, थ्रू दिस वीडियो मेरे दो तीन विषय मैं आपके सामने रखता हूं या बिंदु जो मेरे दिमाग में है। नंबर वन, कि नेचुरली आपको अपने इनकम टैक्स लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी अपडेटेड रखना चाहिए, अगर वो समय समय पर कभी चेंज हो रहा है तो। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इनकम टैक्स लॉगिन में जाकर ये भी चेक करिए कि क्या प्रेजेंटली मेरे किसी केस में कोई असेसमेंट तो पेंडिंग नहीं है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसके थ्रू मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चले इनकम टैक्स लॉगिन के थ्रू कि आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट प्रेजेंटली पेंडिंग है अथवा नहीं। यदि है तो उसका क्या एक इनिशियल आपकी ओर से इनपुट होना चाहिए, ये भी बात इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके समक्ष ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें कि आपने एक इनकम टैक्स लॉगिन किया। यहां जब आप इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे तो आपको अपना ऊपर नाम, यहां पर आपका यहां भी नाम आएगा, और पैन नंबर के साथ में आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी वगैरह दे करके अब आप देख पा रहे हैं कि ओके, आउट ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल हियर, मैंने आपको बोला कि साहब आप पेंडिंग एक्शंस पर क्लिक करिए। पेंडिंग एक्शन में दोस्तों आपको ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करना है, यानी यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे अगेंस्ट एक असेसमेंट की प्रक्रिया या कोई पेनल्टी की प्रक्रिया पेंडिंग है या नहीं है, तो आपको ई प्रोसीडिंग्स इस पर्टिकुलर टैब ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही दोस्तों आपने ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक किया तो आपको दिखेगा फॉर योर एक्शन का ऑप्शन। अगर फॉर योर एक्शन में वन या टू ऐसा करके कुछ भी लिखा है, इसका मतलब आपके अगेंस्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोसीडिंग पेंडिंग है। अभी मैं असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है ये नहीं कह रहा, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। आप जैसे ही फॉर योर एक्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल सी कि ओके, प्रेजेंट प्रोसीडिंग जो इन करदाता जिनके ये केस मैंने फॉर टाइमिंग एग्जाम्पल उठाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर मुझे ये केस पिकअप करने दिया, कि असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 इस असेसी के विरुद्ध बकाया है और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जो भी होगा वो यहां पर मेंशन होगा। से मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2015-16, यहां पर आपको प्रोसीडिंग का लिमिटेशन डेट मिलेगा कि ओके, ये प्रोसीडिंग कब कंक्लूड हो सकती है लास्ट डेट, ये डेट सही हो ऐसा जरूर नहीं है, और कौन से वित्त वर्ष के लिए प्रोसीडिंग है यहां पर ये बात, उन करदाता का पैन नंबर, उनका नाम, और ये प्रोसीडिंग कब से खुली है दोस्तों, ये मिलेगा। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि मैं ये कैसे जानूं कि ये जो प्रोसीडिंग है उसमें कौन से नोटिस मुझे इशू हुए। तो यहां पर आप क्लिक करिएगा नोटिसेस में, तो आपको रिलेवेंट नोटिस खोलने को मिलेगा। नोटिस का मतलब क्या है दोस्तों, नोटिस यानी वो प्रक्रिया जिससे आपका असेसमेंट खुलता है, वो नोटिस आपको यहां व्यू करने को मिलेगा, डाउनलोड करने को मिलेगा। तो आप यहां पर नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिलेवेंट नोटिस व्यू भी होगा और डाउनलोड भी होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने नोटिस पर ओके किया यानी क्लिक किया, तो आपको जो रिलेवेंट नोटिस है वो नोटिस यहां पर मिलेगा कि ओके, ये कौन से सेक्शन में नोटिस है। आप कहेंगे अनूप जी, अभी तो मेरा असेसमेंट 147 में था। बिल्कुल दोस्तों, 147 में जो असेसमेंट खुला है उसके अंदर एक सेक्शन 142(1) का नोटिस भी आ सकता है। तो ये आपको दिख रहा है कि ओके, इन करदाता को 142(1) में एक नोटिस दिया गया। बेसिकली इसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये नोटिस कब इशू किया और इस नोटिस के अनुसार असेसी को कब तक रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और भी नीचे आपको नोटिसेस फर्दर मिल सकते हैं, ये तो एक नोटिस का मैंने उदाहरण दिया, और हर नोटिस के अनुरूप आपको उपयुक्त जवाब देना पड़ेगा। जब आप जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, नोटिस को तो आप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं,
अगर आपको एडजर्नमेंट लेना है यानी अगली डेट लेनी है जो गिवन डेट है से 13 दिसंबर को जवाब नहीं देना आगे देना है तो आप एडजर्नमेंट ले लीजिए। और अगर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो आप यहाँ रिस्पॉन्स सबमिशन पर क्लिक करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है कि नोटिस को देखना और नोटिस को देखने के बाद उसका रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कहाँ जाना है, कैसे क्लिक करना है, वो मैंने आपके समक्ष यहाँ शेयर किया। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया तो ओके, मेरी प्रोसीडिंग कौन सी है इस सेक्शन की, ये मेरा पैन, मेरा वित्त वर्ष कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है और फर्दर जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रेफरेंस है यानी नोटिस का नंबर क्या है, नोटिस कौन से सेक्शन में है, ये नोटिस किस दिन इशू किया गया और सर्वड ऑन पर यहां पर ये मैटर साइलेंट है, आपकी रिस्पॉन्स डेट क्या है। ये आगे देखिए सर, आप यहाँ पार्शल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, फुल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, यानी आप नोटिस का पूरा जवाब दे रहे हैं तो आप फुल रिस्पॉन्स क्लिक करेंगे और अगर आप कुछ जवाब दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर पार्शल रिस्पॉन्स क्लिक करना है। जब आप पार्शल या फुल रिस्पॉन्स करेंगे तो उसके बाद आपको सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा। पार्शल या फुल रिस्पॉन्स में दोस्तों आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं इन रिप्लाई के सपोर्ट में जो आप डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। फाइनली जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे तो आप किस नोटिस के रेफरेंस से आप सबमिट कर रहे हैं या आपसे एक डिक्लेरेशन पे टिक कराया जाएगा, आई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड अदर पर्टिकुलर्स हैव बीन ट्रूली स्टेटेड। यहां आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट होते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा कि ओके आपने आज की तारीख में ये पर्टिकुलर सबमिशन फाइल कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पस मैं जनता जनार्दन में एक जागरूकता लाने के लिए लाया कि आपको ये पता चले कि ओके आप टाइम टू टाइम अपने लॉगिन को चेक कर लें, इनकम टैक्स लॉगिन को, कि कहीं कोई असेसमेंट प्रेजेंटली पेंडिंग तो नहीं है। ये असेसमेंट दोस्तों न केवल 147 में हो सकता है, 143(3) में भी हो सकता है, 144 में भी हो सकता है। तो जब आप ई प्रोसीडिंग में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके प्रेजेंटली कोई असेसमेंट पेंडिंग है तो मुझे जवाब देना है, और यदि नहीं है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और यही मेरी शुभकामना भी है। तो दोस्तों आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।